पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पंजाबी समाज महासमिति उत्तर प्रदेश की प्रेस वार्ता दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हुई, जिसमें पंजाबी समाज के राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय और स्थानीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष निशांत परूथी और राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण सेठी ने कहा कि पंजाबी समाज ने जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी का तनमन धन से साथ दिया है और पार्टी के आदेश को ही सर्वोपरि माना है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि पार्टी को पंजाबी समाज के बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि इतनी मेहनत के बावजूद पार्टी ने समाज के अधिकतर लोगों को लोकसभा टिकट से वंचित रखा है, जबकि प्रदेश में पंजाबी समाज के 60 लाख से अधिक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। पहली सूची में किसी भी पंजाबी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ने शेष टिकटों में से 5 टिकट पंजाबी समाज को नहीं दिए तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देखो, पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लाख मतदाता है, लेकिन अभी तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी नहीं की। हमने मेरठ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारा एक ही कहना था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में पंजाबी समाज को भागीदारी मिले। लेकिन इतना कहने के बावजूद जो 51 सीटें अब तक हो चुकी हैं उसमें भी पंजाबी समाज की भागीदारी नहीं है, जिसमें पंजाबी समाज में आक्रोश है और पूरे उत्तर प्रदेश के पंजाबियों का ये कहना है कि अगर लोकसभा चुनावों में हमें पंजाबी समाज को भागीदारी नहीं मिलेगी तो इस बार पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेगा, क्योंकि पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी का बिकाऊ नहीं है। पंजाबी समाज एक स्वाभिमानी कौम है, पंजाबी समाज अपने हक के लिए मांगता है। अब तक हमने मांगा नहीं, अब हम छीनना जानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना जानते हैं कि पंजाबी समाज को लोकसभा चुनाव में भागीदारी दे, अन्यथा उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, किस तरह का बहिष्कार करेंगे चुनाव में? हम इस बार कोई भी टिकट यानी कोई भी हम वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे। पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश में अब हमारे 75 जिलों में अध्यक्ष हैं, हर जिले के अंदर नोटा दबाया जाएगा और पंजाबी समाज के बैनर लगाए जाएंगे, बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे। हम पंजाबी समाज भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करते हैं कि अब भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाबी समाज को भागीदारी दे। उत्तर प्रदेश में 80 लाख से ज़्यादा वोटर है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पंजाबी समाज में भागीदारी नहीं दे रही है, जिसके लिए आज मुरादाबाद के अंदर पंजाबी समाज उत्तर प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं आप सब मीडिया भाइयों से आग्रह करूंगा कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद।